नमस्कार, मैं वैद्य प्रिया अग्रवाल चक्रपाणि आयुर्वेद से आप सभी का स्वागत करते हैं आज के स्वास्थ्य चर्चा में। आज का विषय है आंवला, जो खट्टा मीठा होता है बट भरपूर गुणों से भरा हुआ, जो एक सेहतमंद होता है, तो आज हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सर से लेके पांव तक जो हर किसी रोग में काम आ सकता है वो है आंवला। बड़े से लेके बुजुर्गों तक हम सभी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। इसका बोटेनिकल नेम है एम्बिलिका ऑफिसिनालिस। कॉमन आम जनता में हम लोग इसे आंवले के नाम या आंवला आंवला ऐसे बोलते हैं। संस्कृत में इसे आमलकी बोलते हैं या फिर धात्री फल बोलते हैं, एंड इंग्लिश नेम है इंडियन गुसबेरी। जैसे मैंने कहा कि इसे सर से लेके पांव तक हम मतलब हर किसी मतलब इसमें यूज कर सकते हैं। मैं उसी के अकॉर्डिंगली वन बाय वन बताऊंगी कि इसके क्या क्या गुण हैं। इट्स यूज्ड एज अ मेमोरी बूस्टर, मतलब जब हमारे जैसे दिमाग का विकास करना है बच्चों में, या फिर जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर ज्यादा स्ट्रेस लेवल हो जाता है, काम की ज्यादा टेंशन हो जाती है, तो फिर उसके ऊपर जो हमें मेंटली प्रॉपर फंक्शन करना होता है, ज्यादा हम थक नहीं जाए मेंटली। और जब बुजुर्ग होते हैं तब हम थोड़े से भुलक्कड़ हो जाते हैं, भूलने की थोड़ी सी बीमारी लग जाती है। इन सभी एज ग्रुप में हम लोग इसे एज अ मेमोरी बूस्टर यूज कर सकते हैं। वो हमारे नर्वस सिस्टम को भी ठीक करता है, और जो भी हमारे सेंस ऑर्गन है जैसे हमारे सुनने की क्षमता है या फिर मतलब देखने की क्षमता है, जो भी सेंस ऑर्गन है उन सभी को नरिशमेंट देता है। सेकेंड है हमारे जो बाल हैं। जैसे आप ज्यादातर लोग जानते होंगे कि बालों का बालों के लिए जो अच्छी एकदम श्रेष्ठ औषधि है, औषधि भी नहीं, जो हम लोग डेली अपने खाने में भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, वो है आंवला। वो जो हमारे बाल पतले हो जाते हैं, जिसमें मतलब उनके पतले हो जाते हैं जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं, या फिर उनको नरिशमेंट नहीं मिलती, सही से पोषण नहीं मिलता है, तो उससे क्या होता है कि उसके जो नेचुरल ब्लैक कलर होता है वो चला जाता है और धीरे धीरे व्हाइट हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं बाल। इस आंवला क्या करता है कि जो हमारे नेचुरल कलर है, जो भी हमारे बालों का नेचुरल कलर है, ब्लैक है ब्राउन है, तो वो उसको मेंटेन करने में मदद करता है। साथ ही अपने जो बालों की जो जड़ होती है उसमें भी स्ट्रेंथ देता है, उसको ताकत देता है। उससे बाल पतले नहीं होंगे, जिससे बाल झड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट है जो आंखें, हमारे इसमें आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है आंवला। आंवला ही नहीं, आंवले से ज्यादा बेटर मैं कहूंगी कि त्रिफला होगा। अगर हम त्रिफला का जो काढ़ा है, अगर हम उसको आंख के लिए मतलब उसका आंख धोने के लिए यूज करेंगे, तो फिर जो भी हमारे इन्फेक्शन हो गया हो आंखों में या फिर थोड़ा दर्द हो, तो उसमें मददगार होता है। लाइक त्रिफला, जैसे आप सभी जानते होंगे कि त्रिफला में भी आंवला एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आंखों के ट्रीटमेंट्स में आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा उपयोग जो आंखों में हम कर सकते हैं वो है अगर सूजन आ गई हो या फिर इन्फ्लेमेशन हो गया हो। वो इसीलिए क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि आंखें पित्त का स्थान होती है, मतलब पित्त दोष अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर उसमें सूजन आ सकती है, मतलब जो लालिमा जैसे टाइप में आ सकती है। उसको कम करने के लिए हम आंवला का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे वो पित्त को तो कम करता ही है, साथ में जो बाकी दोष है जैसे वात और कफ उसको भी अपने नियंत्रण में रखता है, जिससे हमारी जो विजन है, जो देखने की क्षमता है, उसको भी सही करते हैं। एंड कैटरेक्ट में भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि आंवला में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। नेक्स्ट जो हम एक और ऑर्गन की बात कर सकते हैं वो है लंग्स। आंवला लंग्स में प्रयोग कर सकते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि मतलब आंवला भी वी कैन यूज इन लंग्स के कोई भी डिसऑर्डर्स हो गए, जैसे कि अस्थमा हो गया या फिर टीबी हो गई, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गए, तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे फेफड़ों में भी अगर थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हो गई, थोड़ी सूजन आ गई हो, तो फिर उसमें भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे
जो ब्रोंकियल होते हैं, मतलब जो फेफड़ों में जो हमारा एक ये होते हैं, पैसेज होते हैं, तो उसमें से वो ये करता है, जो भी अगर कफ जमा हो, कुछ भी जो भी कीटाणु हो, कोई भी टॉक्सिन्स हो, म्यूकस हो, वो इजीली अच्छे से निकाल लेता है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। साइड बाय साइड आंवला में बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाए गए हैं। सो अगर हमें किसी वजह से कोई भी बीमारी हो गई हो, वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और सेकेंड, हमारे दिल के लिए भी बहुत हैज अ हार्ट टॉनिक यूज कर सकते हैं। अगर पेट संबंधित बात की जाए तो सूखा आंवला एपेटाइजर के तौर पे काम कर सकते हैं। यूजुअली आयुर्वेद में कहा जाता है कि हम अगर अदरक को थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के लेंगे खाना खाने से पहले, तो हमारे जो खाने की रुच है और जो भूख है, मतलब दोनों ही बढ़ा देता है और पाचन शक्ति भी बढ़ाता है। ये काम आंवला भी करते हैं, बट आंवला थोड़ा सा स्लो करता है, मतलब अगर आप ये नियमित रूप से खाना चाहिए, सो वो धीरे धीरे आपके पाचन शक्ति को बढ़ा देगा एंड भूख जो रुच नहीं रहती है वो भी ला देगा। सो त्रिफला पाउडर, जैसे कि मैंने पहले भी इसका मेंशन किया था, त्रिफला मतलब हरड़ भरड़ और आंवला, इन तीनों का इक्वल पार्ट में अगर जो हम मतलब इक्वल चूर्ण, मतलब जैसे 1:1:1 पार्ट होना चाहिए, और उसका जो मिश्रण होता है उसे त्रिफला कहते हैं, मतलब तीन फल। सो इसको हम डाइजेशन के इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पाचन जो भी संबंधित बीमारियां हो, क्योंकि वो पाचन पाचन शक्ति भी बढ़ाता है, जो भी हम खाते हैं उसका न्यूट्रिशन हमें सही से मिले उसका देखता है, एंड जो भी मेटाबॉलिज्म चलती है कि वो सही से पाचन क्रिया चल रही है, वो भी त्रिफला उस पर असर करता है। एंड जो अगर हम आंवला का ताजा जूस का सेवन करेंगे तो वो लेक्सेटिव, मतलब थोड़ा सा अगर जिसको कब्जे की शिकायत हो, मतलब इतनी ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा है तो डॉक्टर के परामर्श पे लें, बट अगर कभी कभार कब्जी हो जाती है तो फिर हम इसका ताजा रस का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि वो जो लीवर है उसके ऊपर काम करता है, जिससे हमारे मोशंस भी ठीक हो जाते हैं। और अगर किसी को डायरिया की शिकायत हो तो फिर हमें सूखा हुआ पाउडर यूज करना चाहिए, मतलब चूर्ण फॉर्म में यूज करना चाहिए, और अगर कब्जी की शिकायत हो तो ताजे रस का सेवन करना चाहिए। जब अभी जैसे मैं कहा कि ये डाइजेशन सही करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि डाइजेशन का मतलब हम सोचते हैं कि अग्नि बढ़ाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे जो बॉडी की हीट है उसको भी बढ़ाएगा, रादर वो बॉडी की हीट को न्यूट्रलाइज, मतलब सही नॉर्मल बैलेंस में रखेगा, जिससे अगर किसी को एसिडिटी की शिकायत हो या फिर पित्त रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तो उसको कम करता है। और अगर हाइपर एसिडिटी हो तो हम आंवले को ज्यादातर देते हैं, क्योंकि वो शांत कर देगा बढ़ी हुई पित्त को। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो है किडनी और लीवर की। सो किडनी में मतलब अगर किसी को यूरिन के टाइम पे जलन हो या फिर सही से नहीं आ रहा हो, मतलब तो फिर बाद में उसमें हम आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। और लीवर के लिए वो एक मतलब प्रोटेक्शन के तौर पे काम करता है, बहुत आंवला, च्यवनप्राश का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है आंवला। सो ये दोनों चीजें हम अपने अगर किसी को लीवर संबंधित कोई भी बीमारी हो तो हम उसमें दे सकते हैं। और जैसे मतलब अगर किसी को कोई भी लीवर संबंधित प्रॉब्लम हो तो उसमें हम ले सकते हैं। नेक्स्ट, अभी हम ओवरऑल मतलब पूरी सेहत पे क्या असर करता है उसके ऊपर ध्यान देंगे। सबसे अच्छा इसमें ये है कि विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सो उससे क्या होता है कि जो हमने जो भी आयन लिया है, मतलब आयन का स्रोत लिया है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी जैसे खजूर हो गया हो या कुछ भी हो, तो फिर मतलब हम जो भी लेते हैं उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो या नहीं वो देखना है, क्योंकि एनीमिया का मतलब है कि हमारे में आयन की कमी हो गई है। सो वो आयन हमें मिले, हमें प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो, वो काम करता है विटामिन सी। सो विटामिन सी आंवला में भरपूर पाया जाता है, सो हम आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। जब प्रेग्नेंट वुमन होती हैं तो उनको
एडवाइस किया जाता है कि जो पके हुए आंवला होते हैं तो वो पूरे प्रेगनेंसी के दौरान उनको खाना चाहिए, ताकि उनको एनीमिया की शिकायत नहीं हो। एनीमिया मतलब खून की कमी की शिकायत नहीं हो, क्योंकि वो रेड जो हमारे खून के जो सेल होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको बढ़ाते हैं, और जो भी मतलब हमारा जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करते हैं, मतलब शुद्धि करता है, रक्त का शोधन करता है। सो इसीलिए हमें अगर कुछ भी ब्लड रिलेटेड, खून रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हमें आंवला का जरूर सेवन करना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग जब प्रेगनेंसी हो तो। एंड किसी को पेट में पेट दर्द हो या फिर मतलब मरोड़े उठ रहे हो, स्पाजम हो रहा हो, तो फिर उसमें आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो उस दर्द को शांत करता है। अभी हाल ही में एक मतलब रिसर्चेस भी पाए जाए हैं कि जो कैंसरस सेल होते हैं उनको ये करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं हमारे आंवला, जो कि मतलब कैंसरस सेल्स होते हैं उनकी, इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। सो जो भी हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं वगैरह, तो फिर उससे कैंसरस सेल पे वो काम करता है। सेकेंड, जो हमने एक और चीज ओवरऑल अपने बॉडी पे असर देखा गया है वो है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो कम करता है। आंवला कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं उनको कम करते हैं, साथ ही में अगर कोई मोटापे से जूझ रहा हो तो फिर उसमें भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा जो एक और चीज ओवरऑल चीजों पे हम देख सकते हैं वो है स्किन की बीमारियां। स्किन में क्या करते हैं कि जो भी अगर एक्जिमा हो गया हो, सोरियसिस हो, खुजली हो, पित्त के मतलब वजह से, या फिर बढ़ गया हो, तो फिर इचिंग वगैरह, इसमें हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। आंवला को त्रिदोष शामक कहा गया है, मतलब वात पित्त कफ, ये तीनों ही दोषों को वो शमन करता है, मतलब कम करता है। सो इसीलिए जो भी बीमारियां होती हैं जिसमें तीनों वात पित्त कफ तीनों का ही खराब दुष्टि हुई हो, मतलब इम्बेलेंस हो रहा हो, तो फिर उस बीमारियों में आंवले का प्रयोग बिल्कुल किया जा सकता है, जैसे कि एक्जिमा और सोरियसिस में। और अगर हम जैसे आंवले का जूस हो गया, जिसके साथ करेले का भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम हल्दी के साथ ले सकते हैं, तो फिर जो ये आंवले का जूस है इसके साथ जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस करके हम डायबिटीज पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि वो डायबिटीज को ब्लड शुगर को कम करता है। वो ये कहते हैं कि इंसुलिन को बढ़ा के, मतलब इंसुलिन अपना नॉर्मल जो काम होता है, उसका जो नॉर्मल काम होना चाहिए वो करता है, और जिससे शुगर लेवल अपने आप कम हो जाएगा। स्कर्वी मतलब जो मसूड़ों में से खून आने लग जाता है, मसूड़े सूज जाते हैं, खून आने लगता है, तो फिर उसके उसमें विटामिन सी दिया जाता है। अगर किसी को देखा होगा तो विटामिन सी देते हैं। सो इसीलिए आंवला डायरेक्टली वी कैन यूज, क्योंकि उसमें विटामिन सी भरपूर पाया जाता है। सो उसको एज अ होम रेमेडी, घरेलू नुस्खे में यूज कर सकते हैं स्कर्वी, अगर खून के मसूड़े में खून आया हो तो। सेकेंड, कॉम्प्लेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को अपना त्वचा निखार करना है, या फिर त्वचा के जो भी ग्लो होती है वो कम हो गई हो, या फिर थोड़ा सा सूखा त्वचा बहुत सूखी हो गई हो, सो उसमें भी हम आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। आंवला क्या मॉइस्चराइज करते हैं स्किन को, अगर कोई भी टॉक्सिन पैदा हो, जो भी स्किन के नीचे मतलब डेड सेल्स हो, तो फिर उसको निकाल देता है। एंड साथ ही जैसे मैंने पहले कहा था कि सोरियासिस और एक्जिमा में भी उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो इम्यूनिटी बढ़ा देता है। आंवला हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा देता है, जिससे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, तो उससे लड़ने की क्षमता रखता है, जिससे हमारे चेहरे की जो नॉर्मल तेज होती है, जो ग्लो होती है, वो बरकरार रखती है। जैसे अभी कोरोना के दौरान आंवले का प्रयोग किया गया था एज अ इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे भी, क्योंकि वो अगर किसी को नॉर्मल वीकनेस हो या फिर थोड़ा सा काम करने पे थक जाते हैं, तो फिर हम आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो इन्फेक्शंस का नियंत्रण निकाल देते हैं, तो इम्यूनिटी बढ़ाते ही हैं, और साथ ही वो एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब सूजन भी कम करते हैं।
तो जैसे कि हमारे मतलब जो भी सूजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे गैस्ट्राइटिस हो गया, मतलब पेट में अगर थोड़ी सी सूजन हो गई हो, आंतों में सूजन हो गई हो, तो उसमें हम आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। और जो जैसे मैंने कहा था कि उसमें फ्री रेडिकल जो भी होते हैं उनको खत्म करने में स्ट्रेस लेते हैं, तो फिर फ्री रेडिकल ज्यादा मौजूद हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो हम स्ट्रेस जो क्षमता मतलब होल्ड कर सकते हैं, कि अगर हमने इतना स्ट्रेस लिया है और वो दिन ब दिन बढ़ते जाता है, तो फिर हम ये हो जाते हैं मतलब ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो फिर आंवला के में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है, तो जिससे जो भी हमारे बॉडी पे दुष्प्रभाव हुआ है तो उसको कम करता है, जिसके कारण जो हमारी जो एज मतलब हम मतलब पहले ही समय से पहले ही बुढ़ापे में आ जाते हैं, इतना स्ट्रेस लेते हैं, मेंटली स्ट्रेस लेते हैं, फिजिकली स्ट्रेस लेते हैं, तो उससे हमारी जो बुढ़ापे की जो स्पीड होती है वो ज्यादा फास्ट हो जाती है, मतलब हम लोग जल्दी पहले समय से पहले ही बुढ़ापे में आ जाते हैं, तो उसको रोकता है, उसकी रोकथाम करता है। और जो हमारे अगर हम ओल्ड एज में हैं तो फिर उसमें ताकत बनाए रखने के लिए आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। अभी एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि जब हम आंवला को गर्म करते हैं तो उसमें से विटामिन सी गायब हो जाता है क्या? क्योंकि विटामिन सी नॉर्मली अगर हम गर्म करते हैं या फिर उबालते हैं तो फिर उससे जो विटामिन सी चला जाता है, ऐसा एक क्वेश्चन सभी किसी के भी दिमाग में आ सकता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? वो इसीलिए क्योंकि विटामिन सी आंवले में खट्टापन तो है ही, साथ ही में एक कशेलापन भी होता है। तो वो जो कशेलापन है वो इसीलिए है क्योंकि आंवला में टैनिन पाया जाता है। तो जो टैनिन है वो विटामिन सी उसमें एक एसिड पाए जाते हैं, जिसके कारण वो जो भी विटामिन सी की जो भी मात्रा होती है उसको जाने नहीं देता है, वो उसी में बनाए रखते रिटेन किए रखता है आंवले में। सो जब भी आप च्यवनप्राश बनाएं या फिर आंवले का मुरब्बा बनाएं, कुछ भी जिसमें आंवले को उबाला जाता है या फिर पकाया गर्म किया जाता है, तो उससे वो उड़ता नहीं है। वो विटामिन सी जितनी मात्रा में आंवले में होता है उतनी की उतनी ही मात्रा बनाए रखता है। सो ये टैनिन के वजह से हो पाता है। सो आप बेफिक्र होके आंवले का मुरब्बा या फिर किसी भी प्रकार से आंवला का सेवन करिए, और इसे अपने एज अ रसायन के तौर पे मतलब जो बुढ़ापे को रोकता है अन्य असमय से मतलब समय से पहले ही जो बुढ़ापे का रोकथाम करता है उसे रसायन कहते हैं। सो आप रसायन के तौर पे आंवले का नियमित रूप से सेवन करिए, जिससे आपको फायदा हो। एंड वो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कच्चा फल ही लें, उसको आप सूखे आंवला कैंडी के तौर पे या फिर मुरब्बे के तौर पे या फिर च्यवनप्राश किसी भी तौर पे आप आंवले का जरूर सेवन करिए। सो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।